नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जीशान जावेद आपके साथ। लॉकडाउन में फंसे गरीब मजबूरों का बुरा हाल है। हजारों किलोमीटर का लंबा सफर, ना पानी, ना खाना, ना ही वाहन का भरोसा। अगर ऐसे हालत में कोई भोजन पानी बिना मांगे उपलब्ध कराए, इतना ही नहीं पैर छूकर आशीर्वाद भी ले, यह किसी मिसाल से कम नहीं है। देखिए यह रिपोर्ट। परदेश गए थे पैसा कमाने, लेकिन पूरी दुनिया में फैली कोरोना वायरस की महामारी ने उनके सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया। दो वक्त की रोटी की जगह अब जीने मरने की लग गई। कोरोना वायरस ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। ऐसे में वक्त बदला, बदलते वक्त के साथ लोगों के जीने का तरीका भी बदला। कहा शानदार एसी गाड़ी, ट्रेन के वो एसी डब्बे, अच्छी कार, और अब कहां गिट्टी लदे ट्रक, ऑटो मोटरसाइकिल और पैदल की सवारी रह गई। कभी बेहतर खाते थे और दूसरों को भी खिलाते थे। जब किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया। यह है बगला वक्त। खाली पेट का सफर, ऐसे ही लोगों को दो वक्त का भोजन कराया, उनके जज्बे को सलाम किया, माला पहनाई, परदेशियों के चेहरे पर जो खुशी आई, सुकून के पल नजर आए, वह उन्हें बरसों याद रहेंगे। जी हाँ, नेशनल हाईवे 30 पर रामनई के पास एक ढाबे में कुछ ऐसा ही मंजर था। आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देखिए, बच्चों को बिस्किट, बड़ों को भोजन, उसके बाद उनका सम्मान, पैर छू के उनके आशीर्वाद। हमें ऐसी शक्ति ऊपर वाला दे जिससे हम सड़क पर निकलने वालों को लगातार भोजन कराते रहें। परदेशियों ने भी माना, मुंबई से रीवा तक के हजारों किलोमीटर के सफर में यह लम्हा उन्हें यादगार के तौर पर संजोने के काम आएंगे। जिस तरीके से यहाँ के लोगों ने प्यार दिया, वह उन्हें पूरे रास्ते में कहीं भी नहीं मिला। जिंदगी बदलेगी, फिर भी उनको ये लम्हा जिंदगी भर याद रहेगा। बॉम्बे में सिलाई कर रहा था, अच्छा खासा धंधा करता था, लेकिन कोविड जो कोरोना है, इसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशानियां बढ़ गई, इसीलिए हम लोग चले आए सभी लोग। हम लोग जिस तरीके से आपका स्वागत हुआ, कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा तो शायद नहीं हुआ कहीं। नहीं हुआ। अच्छे से खाना का व्यवस्था किया गया, पानी का व्यवस्था किया गया। इससे बढ़िया व्यवस्था मैं क्या बताऊं। रास्ते पर तो हम तो रोते गाते आए हम लोग। आप बताइए। हाँ, यही बात है, हम लोग हो गए। हाँ, यही बात है। क्या बात? अरे खाना भी। आप माला पहने हुए हैं जबकि सफर कर रहे हैं, ऐसा क्यों? समय वाली पार्टी ना हुआ। बताइए, अच्छा लग रहा माला पहन के? अच्छा तो लग रहा। क्या नाम है आपको? विनोद पटेल। ऐसा सर कि हम लोग बॉम्बे से चले हैं, कल्याण से। वहाँ से हम लोग को पहले तो गाड़ी नहीं मिला, मिल रहा था। हम लोग सोचे कि ट्रेन का फॉर्म भरे, वो भी मोदी के चलते वो भी नहीं मिला। उसमें भी हम लोग बहुत समय गवाए। उसके बाद हम लोग अपना खुद का गाड़ी करना चाहे तो भी 4,000 रुपया देने के बाद, बहुत दिन बाद मुकसद में वो गाड़ी मिला। उसमें भी हम लोग ठूस के आए हैं। आप देखेंगे गाड़ी में तब गाड़ी चाहे कितने लोग हैं। हम लोग पिकअप से, छोटी वाली पिकअप गाड़ी है, उससे कम से कम 25 लोग आए हैं। उसमें हम लोग आज भी खाने के लिए तरस रहे थे। वहाँ हम धंधा करते थे अपना। बेटा किस स्कूल में पढ़ते थे, क्या दोस्तों की भी याद आएगी? हाँ। नाम बताइए अपना। साहिल पटेल। किस स्कूल में पढ़ते थे? कमला देवी कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल। अब कब जाने की इच्छा है बॉम्बे वापस दोबारा, या अपने घर पे ही रहेंगे? घर पे ही रहेंगे। किस क्लास में पढ़ती थी? 7। आप किस स्कूल में? आशीर्वाद हिंदी प्राइमरी विद्यालय। अब अपने दोस्तों की याद आएगी? हाँ। तो क्या आप बॉम्बे दोबारा जाना चाहेंगे? स्कूल चालू होगा तो देखेंगे। क्या नाम है आपका? तनिषा। कोरोना के खौफ में जहाँ अपने ही अपनों से दूरी बना रहे हैं, ऐसे में लोगों के साथ ऐसा व्यवहार सोचने के लिए मजबूर कर देता है। इस व्यवहार को शायद ही राहगीर कभी भूल पाएंगे। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।